अरे डॉली की शादी को अभी 2 ही दिन तो हुए हैं, इतनी जल्दी कैसे वापस आएगी? अरे बुलाना पड़ेगा, इतना अच्छा रिश्ता मिला है, लड़का कॉन्ट्रैक्टर है। जुई काम पे लग जा बेटा। जब तक दीदी नहीं आती हम ही आपकी सेवा करेंगे। आज इस फैमिली के स्वयंवर में सिर्फ पुलिस जाएगी। सर लगता है इनको हमारे आने की खबर मिल गई, इसीलिए सब फरार हो गए। सर तो डॉली है। नहीं यार, इसका असली नाम डॉली नहीं, ये डिंपल और दामिनी या जो भी है। सवाल ये है, जब इसकी पूरी फैमिली फरार हो गई तो ये यहाँ क्यों रह गई, और इसका खून किसने और क्यों किया? फॉरेंसिक टीम बुलाओ, एविडेंस इकट्ठा करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर जैसे पानी इंसान को जिंदा रखने के लिए जरूरी है, वैसे ही हर इंसान को काम करना भी जरूरी है। हर एक का अपना अपना प्रोफेशन होता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर, कोई एक्टर। पर कभी आपने सुना है कि लोगों को बेवकूफ बनाना ही कोई अपना प्रोफेशन बना ले, लोगों को ठगना ही उसका काम हो, वो भी अकेले नहीं पूरा का पूरा परिवार काम के नाम पर ये गुनाह करता हो। नमस्कार, मैं PI रंजीत ठाकुर कानपुर का एक ऐसा ही केस आपको दिखाने वाला हूँ, जहाँ शादी के नाम पर लड़की नहीं उसका पूरा का पूरा परिवार लोगों को शादी के नाम पर ठग रहा था, और एक दो नहीं 10 महीने में 10 शादियाँ कर चुका था। जब ये केस हमारे पास आया तो इसे सॉल्व करना इतना आसान नहीं था। बहुत लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें लड़की और उसके पूरे परिवार का पता मिला। हम उन्हें वहाँ अरेस्ट करने पहुँचे तो ये ठगी से आगे का गुनाह निकला, और ये केस सॉल्व होने की जगह नए सिरे से शुरू हो गया। हमारे पेट में बहुत दर्द है, लेडीज प्रॉब्लम, हमें बहुत दर्द होता है। ठीक है तुम रेस्ट करो, और अगर कोई दवाई ववाई लेती हो तो हमको बताओ, हम लेकर आते हैं। दवाई के लिए डॉक्टर मना करते हैं, तो आगे चलकर माँ बनने में प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा ठीक है, फिर तुम रेस्ट करो। ये देखिए आपको जैसा घर चाहिए था वैसा घर। घर तो बढ़िया है। आपको पसंद आया? हाँ हाँ, और वैसे भी ये घर हमें 1 ही महीने के लिए तो चाहिए, बिटिया की शादी है, अब 1 महीने के लिए कहाँ परिवार को लेकर होटल में बसेंगे। बहुत अच्छा फैसला लिया, भाड़े पे घर लो, शादी करो, अपने घर जाओ। चलते, धन्यवाद। धन्यवाद। बढ़िया है ना? सुनो हमारी बात मानो तो ये शादी को कुछ दिन और बढ़ा दो। अरे डॉली की शादी को अभी 2 ही दिन तो हुए हैं, इतनी जल्दी कैसे वापस आएगी? अरे बुलाना पड़ेगा, इतना अच्छा रिश्ता मिला है, अरे लड़का कॉन्ट्रैक्टर है, खुद का कितना बड़ा घर है, इतना पैसा है, समाज में कितनी इज्जत है बताओ। इज्जत बचाने के लिए पैसा तो देगा ना। और वैसे भी उसकी जो पहली बीवी है उसको मरे हुए बहुत दिन हो गए, जैसे तैसे घर वालों ने उसे दूसरी शादी के लिए राजी किया है। डॉली को कल के कल बुलाओ। राजू सबके लिए नए सिम का इंतजाम करो। ठीक है। जुई काम पे लग जा बेटा।
मिया कैसी हो? ठीक हो? डॉली कहाँ? डॉली, डॉली, अरे आ गया बेटा। डॉली को बहुत दिक्कत हो रही, उसकी तबीयत बिगड़ गई, तो उसका भाई आके उसे ले गया और इसे छोड़ गया कि जब तक डॉली की तबीयत अच्छी ना हो जाए ये हमारी सेवा करेगी। मैंने तो बहुत मना किया लेकिन उसने बिल्कुल सुनी ना और इसे छोड़ गया। तुमने अपनी दीदी का ड्रेस क्यों पहना है? तो दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? भूल गए, आपके बाबा ने तो कहा था जब तक दीदी नहीं आती हम ही आपकी सेवा करेंगे दीदी बनके। तो इसीलिए जो ड्रेस आपने दीदी को दिए थे हमने पहन लिया। अच्छी लग रही ना आप? बोलिए ना, अच्छी लग रही हूँ ना मैं? ऐसी थी इस फ्रॉड फैमिली की मॉडस ऑपरेंडी। पहले एक ठीक ठाक पैसे वाला लड़का देखा जाता था, उसके बाद डॉली की उससे शादी कराई जाती थी। शादी के एक दो दिन बाद डॉली कोई ना कोई बहाना बनाकर मायके वापस आती थी। उसकी जगह जूही को भेजा जाता था। जूही जो कि नाबालिग थी लड़के को अपने जाल में फंसा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी और उसका वीडियो भी बना लेती थी और फिर उस वीडियो के जरिए पूरी फैमिली उस लड़के को ब्लैकमेल करती थी। अरे कुछ बताओगी भी, इतना जल्दी वापस कैसे आ गई और काम हुआ कि नहीं? बहुत ही घटिया लड़की हो तुम, अपनी बहन के पीछे उसी के पति को फांस रही हो। निकल जाओ यहां से, निकलो। निकलो नहीं तो तुम्हारी पूरी फैमिली को हम सब कुछ बता देंगे। अब हम वापस बिल्कुल नहीं जाएंगे। लो, सारी मेहनत पानी हो गई, जो करने गई थी वो तो हुआ नहीं और वापस आ धमकी। हमें काहे कोस रहे हो? कोशिश किए ना हम, अब इसको बोलो कुछ करे। हम पहले ही बोले थे तुम कि दूसरी शादी का डेट आगे बढ़ा दो, पर नहीं, हमारी सुनता कौन है इस घर में? अब आगे क्या करना है ये सोचो। करना क्या है, उसको भेजेंगे वापस, जो काम अधूरा छोड़ के आएगी करेगी। और देखो उसके बाद हम तुम्हें बता रहे हैं कि हम वापस नहीं जाएंगे, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। सबसे जरूरी काम वो हम करें और सारा पैसा तुम लोग लो। अब हम तभी कुछ करेंगे जब हमारे हिस्से का पैसा बढ़ाओगे। नहीं, चुप, फोन कर अपना। कब से पटर 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 बोली जा रही है, जितनी तुम्हारी उम्र है ना उतनी बात क्या करो, समझी? ये मत भूलो हमारी उम्र का ही खाते हो तुम लोग। उन लोगों को तुम सबसे पहले यही धमकी देते हो कि हम नाबालिग हैं। ज्यादा बोल मत, जबान निकाल के बाहर निकाल के मारूंगा इतना। गाड़ी सुनो, तुम्हारा ये रोका होने के बाद थोड़े दिन तुम निर्मल के घर रहना, समझे? तब तक हम जुगाड़ लगाएंगे कि इसको कैसे फंसाना है। चलो सब लोग अब रोके की तैयारी में जुट जाओ, समझे? बैठो बैठो। सच में बहन जी, भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, बस हमें एक संस्कारी बहू चाहिए थी जो हमें मिल गई है, और हमें कुछ नहीं चाहिए। और वैसे भी शादी हमें बिल्कुल सिंपल तरीके से करनी। बहन जी ये तो आपने हमारे मुंह की बात छीन ली, हम लोग भी शादी एकदम सिंपल तरीके से ही चाहते थे। क्यों जी? आपकी बेटी हमें इतना ज्यादा पसंद आ गई है कि अगर आप हमें इसे दो जोड़े कपड़े में भी विदा करेंगी ना तो हमें मंजूर है। ये हम अपनी बहू रानी के लिए लेके आए हैं, ये लो बेटा। अरे बहन जी इसकी क्या जरूरत थी? ये आज से हमारी बहू है और ये हम आपको थोड़ी ना दे रहे हैं। लीजिए ना, वो बता कीजिए। आंटी हमारी दीदी तो आपकी हो गई, तो ये भी तो हमारे जीजा जी हो गए ना? हाँ हाँ बिल्कुल। तो जीजा जी हमें घुमाने कब लेके जा रहे हो? जब भी तुम कहो, और वैसे भी साली की बात भला कोई टाल सकता है? कितना सही बोल रहे हैं। अरे सोचो, रोके में इतना दिया है तो शादी में कितना देंगे? हमको तो ये लग रहा है ना कि चार पार्टी का माल हमें एक पार्टी में ही मिल जाएगा। किसका फोन है? निर्मल का।
कि बार बार फोन पे फोन किया जा रहा है, क्या करें इसका? ला, मुझे भी। हेलो बेटा। हाँ आप कैसे हैं? अब बाबूजी? हाँ डॉली एकदम ठीक है, आप चिंता ना कीजिए, हम लोग है ना और राजू के साथ कल भेज देंगे। सब तेरी वजह से हुआ है, सब गड़बड़ कर दिया तूने। अरे सच है ये पड़ा के। कोशिश किए ना हम, वो आदमी सही नहीं था, इसमें हमारी क्या गलती है? और कह रहे हैं हम हमारा हिस्सा अब से बढ़ा के चाहिए, वरना हम कोई काम नहीं करने वाले। सुचेत तुमने? अरे समझाओ इसे। पता है कितना मिस किया हम तुमको, और तुमों की एक फोन भी नहीं की। चिंता नहीं है तुम्हें हमारी? चिंता नहीं होती तो हम जूही को क्यों भेजते आपके पास? पता है हम कितना परेशान थे, या क्या खाएंगे, घर का ध्यान कौन रखेगा? बुरा मत मानना, तुम्हारी बहन का कैरेक्टर कुछ ठीक नहीं लगा हमको। डोरे डाल रही थी वो हम पे, अपनी बहन के पति को फंसाने की कोशिश कर रही थी। क्या जूही? जूही ये सब बदतमीजी की आपके साथ? हम छोड़ेंगे नहीं उसको, हम अभी उसके अगर ठिकाने लगाते हैं और अम्मा को भी बोल देंगे। हम छोड़ो ना, ना समझे। पता है कब से हम सोच रहे हैं कि हमारे ना सर में बहुत दर्द हो रहा है, सोच रहे हैं कि दवाई खा के थोड़ी देर सो जाते हैं, शायद सुबह तक ठीक हो जाए। चलो बाय, शाम को मिलते हैं। बाय बाय। हेलो, हम बोले थे ना तुमको, कोशिश कर रहे हैं, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? हम मौका मिलते ही आते हैं, समझे? और फोन मत। अब क्या? अम्मा बाथरूम में गिर गई, ज्यादा चोट तो नहीं आई ना उन्हें? अब जूही तू जरा भी ध्यान नहीं रख सकती ना, पता नहीं कहाँ बिजी रहती है। ठीक है, हम बाबूजी से बात करके आते हैं। वो बाबूजी अम्मा बात। बेटा सब सुने हम, तुम जाओ, पर तुम अकेले कैसे जाओगी? तुम रुको, हम तैयार होके तुम्हें छोड़ आते हैं। नहीं बाबूजी, हम ऑटो से चले जाएंगे, देखिए ना कितनी धूप है, आप बिना वजह परेशान होंगे, हम चले जाएंगे। सुनो, अपने लिए किया क्या हम ये सब? हम दोनों के लिए किया है, सोचा था थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो दोनों साथ में भागेंगे। हमें अच्छा लगता है क्या कि प्यार तुमसे करे और रहे किसी और के साथ? अरे इधर आओ, नया नंबर लिए, पुराना नंबर बंद रहेगा, अब उसी पे फोन कर। सॉरी। अरे कहा तुम नहीं मिलती हो तो हमारा दिमाग सनक जाता ना, क्या करें बताओ। ठीक है ना, तुम समझा दियो तो समझ गए ना, माफ कर दो। उस निकम्मे महेश के साथ घर बसाना चाहती है तू? पापा प्यार करते हैं उससे, उसी से शादी करना चाहते हैं। हम सबको सड़क पर लाना चाहती है तू, जानती है उस महेश को? तीन तीन हाफ मर्डर है उस पर, जेल जा चुका है वो, तो बर्बाद है ही, हमें भी बर्बाद कर देगा। तू निर्मल के घर से निकल कर उससे मिलने चली गई, एक बार भी नहीं सोचा तूने कि अगर उसे शक हो गया तो हमारा सबका क्या होगा? इतना आसान नहीं है ये काम जितना तू समझती है। हमारा काम था शादी करना, जो हम किए, अब बहुत नाकाम ठीक से नहीं की तो हम क्या करें? सबके हिस्से का गाली हम नहीं सुनेंगे। कोशिश किए ना हम, वो हमारी बातों में नहीं फंसा, इसमें हमारी क्या गलती है? किसी का कोई सफाई नहीं चाहिए हमको। शादी इतना नजदीक है और सोचना ये है कि इस निर्मल से छुटकारा कैसे पाया जाए।
तुम फिर आ गई। डॉली कहाँ है डॉली? अरे चिल्ला कहाँ रहे हो, हाल जानने आई है, कौन सा तुम्हारे घर में बस रही है? अरे आप गलत समझ रहे हो, ये बच्ची नहीं है, ये डॉली के पीछे हमको भी क्या बोले आपको, बस इतना समझ लीजिए हम इसका शक्ल नहीं देखना चाहते, इससे कहिए अभी के अभी अपने घर चली जाए। डॉली ने तो बोला था उसकी माँ की पैर की हड्डी टूटी है, पर ये तो यहां बिल्कुल ठीक लग रही है। हेलो। हाँ कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हम भी ठीक ही हैं, बस तुम्हारी याद आई तो सोचे फोन कर लें। अरे वो माँ की हालत कैसी है अभी? पैर की हड्डी टूटी थी ना उनकी, प्लास्टर कब तक रहेगा? अब वो डॉक्टर ने कहा है कि 10-15 दिन और देखेंगे और उसके बाद एक्सरे कर देंगे। फिर तो चलने में भी बहुत दिक्कत होती होगी, है ना? हाँ वो तो बिल्कुल हिलडुल भी नहीं पा रही हैं। टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, हम हैं ना तुम्हारे साथ। हाँ पक्का। किससे बता रही थी तुम? महेश से? मतलब तुम सुधरोगी नहीं, तुम्हारे पापा को पता चल गया ना कि तुम महेश से बात करती हो तो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें वो। कौन है? क्या ये? हाँ क्या ये सब चल क्या रहा है यहां पे? ये दिव्या कौन है जिसके ब्याह की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? नहीं दामाद जी, खबरदार जो दामाद जी बोले तो, हम सिर्फ तुम्हारे लिए एक बकरा है, बकरा नहीं समझे? जैसे पहले शादी करके लोगों को फंसाए हो, हमें भी वैसे ही फंसाए हो ना। सब जानते हैं, तुम्हारी हिस्ट्री पूरी पता कर चुके हैं हम। ये जूही को जानबूझकर हमारे कमरे में भेजे थे ना। हम नहीं फंसने वाले, लेकिन तुम सबको जेल की हवा जरूर खिलाएंगे। इसे कहते हैं नहले पर दहला। जो परिवार आज तक लोगों को ठग रहा था उन्हें सवा शेर मिल गया था। निर्मल ने इस फैमिली की सारी हकीकत जान ली थी। सिर्फ वही था जो इनके जाल में नहीं फंसा था, उल्टा उसने इनके खिलाफ सारे सबूत भी जमा कर लिए थे। पर शायद इस परिवार के पाप का घड़ा भी नहीं भरा था। चलिए पीछे डी, ये बॉडी को बोरी से बाहर निकालो, उसकी तलाश लो। सर सर इसकी जेब में तो कुछ भी नहीं मिला है। मिश्रा सर आसपास चेक करो, शायद कुछ मिले। बॉडी की हालत देख के ऐसा लगता है इसकी मौत एक दो दिन पहले ही हो चुकी है। मिश्रा कुछ मिला? नहीं सर आसपास तो कुछ भी नहीं मिला। आप लोगों में से कोई इस बॉडी को पहचानता है?
यादव, लगता है इसका मर्डर कहीं और किया गया है, इसकी बॉडी को यहाँ ठिकाने लगा दिया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। सर, 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 जिस आदमी का डेड बॉडी हमको मिला था उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सर रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत सर पर चोट लगने की वजह से हुई है और उसकी उम्र 26-27 साल है। सर उसकी मौत 2 दिन पहले सुबह 10 से 12 के बीच में हुई है, इसलिए उसकी बॉडी थोड़ी डीकम्पोज होने लगी थी। एक काम करो, इस आदमी की फोटो आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में भिजवाओ, हो सकता है किसी ने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई हो। सारे न्यूज़पेपर में भी दो और अपने खबरियों को भी काम पे लगाओ। सर हाँ, वो देख लो तुम, आम शाम को घर आके बात करेंगे और भाभी को बोलना कि तामर पात्र में पानी भर के रख दे। हाँ बोलो। सर जिस डेड बॉडी का फोटो हमने न्यूज़पेपर में सर्कुलेट करवाया था उसे एक बिपिन नाम के आदमी ने पहचान लिया है, वो बाहर बैठा है। बुलाओ। कौन था वो आदमी, नाम क्या था उसका? सर इतना जानते हैं कि उसका नाम निर्मल था, हमारा कोई निजी रिश्ता नहीं था उससे, कोई दोस्त वोस्त नहीं था, बस कुछ दिन पहले वो अचानक से हमारे घर पर हमसे मिलने के लिए आ गया था। डॉली को जानते हैं? जी डॉली कौन? वही भाई जो भी आपसे मिलने आई थी। हुआ क्या? क्या हुआ? आपको पता है डॉली दूसरी शादी कर रही है? जी उसका नाम डॉली नहीं डिंपल है। ठीक है डॉली डिंपल जो भी है, हमें उसके बारे में आपसे जरूरी बात करनी है। देखिए मैं उसके बारे में कुछ जानता नहीं हूँ और ना ही आपको कुछ बता पाऊंगा। हमें पता है तुम उसके बारे में सब जानते हो, खाली नाटक कर रहे हो नहीं जानने का। देखो सीधे सीधे बता दो, ये तो तुम्हें भी फ्रॉड के केस में अंदर करवाएंगे हम। क्या है बे? सारा जो भी आता है अंदर करवाने की धमकी देता है। एक साल पहले उससे शादी क्या कर ली, अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली हम, बहुत मुश्किल से उससे अपना पीछा छुड़ाया हमने और अब तुम आ गए हो। तुम हो कौन? हम भी तुम्हारी तरह भुगत भोगी है, हमसे भी शादी की थी वो और अब किसी और से शादी कर रही है। देखो भाई इसमें हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल से हमारी शादी कहीं दूसरी जगह पक्की हुई है, अब उस फ्रॉड फैमिली से हमारा कुछ लेना देना नहीं। तो तुम्हारे पास क्या मदद मांगने आया था वो? सर वो ये चाहता था कि हम उसका साथ दें और आपको आके ये बताएं कि एक साल पहले डिंपल ने हमसे भी शादी कर ली थी। सर हम जानते थे कि वो फैमिली फ्रॉड है और निर्मल को भी कुछ दिन पहले ये सच पता चल गया था जब सर निर्मल कई दिनों से डिंपल का पीछा कर रहा था। फिर जिस दिन डिंपल किसी महेश के साथ हमारे यहाँ आई, निर्मल भी उसके पीछे पीछे आ गया। डिंपल ने हमसे 50,000 रुपये मांगे, हमने चुपचाप दे दिए और ये सब निर्मल ने देखा था। तुमने 50,000 किस बात के दिए थे उसे? सर वो हमें ब्लैकमेल कर रही थी। तुम्हें ब्लैकमेल कर रही थी, तो तुमने ऐसा क्या किया था जो तुम्हें ब्लैकमेल होना पड़ा? सर इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी सर, ये सब उनकी प्लानिंग थी। सर वो अकेली नहीं है, उसकी पूरी फैमिली ठगी करती है सर। पहले बड़ी बेटी से शादी करवा देते हैं, फिर वो अगले दिन बहाना बना के मायके चली जाती है, फिर छोटी बेटी को भेजते हैं सर, और फिर छोटी बेटी पति को अपने जाल में फंसा लेती है सर। पूरे परिवार ने वो वीडियो दिखा के हमें ब्लैकमेल किया, वो वीडियो उन्होंने खुद बनाई थी। सर हम बेबस हो गए थे, कुछ कर नहीं पाए, इसलिए उन्हें पैसे दे दिए। बड़ी मुश्किल से एक साल के बाद हमारी शादी के बाद कहीं दूसरी जगह पक्की हुई थी, हम नहीं चाहते थे कोई बवाल हो सर, इसलिए हमने निर्मल का साथ भी नहीं दिया था। तुम्हारे पास कोई ऐसा सबूत है जिससे पता चले कि इस परिवार ने तुम्हारे साथ फ्रॉड किया है? मतलब तुम्हारी शादी की कोई फोटो, कोई वीडियो जिसमें वो फैमिली नजर आ रही हो? नहीं सर वो लोग सबूत छोड़ते ही नहीं है सर, वीडियो दिखाने के बाद वो सब वापस ले लेते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हारी शादी में बहुत सारे लोग आए होंगे, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे रिश्तेदार, किसी के फोन में कोई फोटो कोई वीडियो तो होगी ना, पता करो। जी सर मैं पता करता हूँ। विपिन जब तुम पहले बदनामी के डर से पुलिस के पास नहीं आए तो अब क्या आए हो, अब डर नहीं लग रहा? डर तो है सर, पैसा कहाँ से लाए? पहले हमने डिंपल की फैमिली को पैसा दिया, फिर डिंपल को पैसा दिया, फिर उसका बॉयफ्रेंड हमसे पैसे मांग रहा था। हम यही सोच रहे थे कि क्या करें कि तभी न्यूज़पेपर में निर्मल की फ़ोटो दिखी और हम तभी समझ गए थे सर कि इसका कत्ल या तो डिंपल की फैमिली ने किया है या महेश ने किया है।
क्योंकि वो उनके चक्कर में फंसा भी नहीं था और सब सच जान भी गया था। तुम महेश का स्केच बनवा सकते हो? जी हाँ। यादव, स्केच आर्टिस्ट को बुलवा और विपिन के हेल्प से उसका स्केच बनवा। सर, ये डिंपल उसकी फैमिलीज की फोटोज हैं। और सर, ये महेश का स्केच है। सर, पूछताछ करने पर पता चला है कि ये महेश हिस्ट्री शीटर है। 3 हाफ मर्डर किए इसने, कई बार जेल भी जा चुका है। सर, पॉसिबल है कि इसने ही निर्मल का मर्डर किया हो। यादव, इस फैमिली का जल्दी से जल्दी पता लगाना होगा। इससे पहले किसी और को चूना लगाएं, इन फोटोज को हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करो और जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन मिले तुरंत एक्शन लो। सर। हरिया, सर निर्मल का नाम और स्केच एक आदमी के मिसिंग कंप्लेंट से मैच करता है। एड्रेस पता किया? यस सर। बढ़िया, चलो। जी, देवेंद्र जी हैं आप? जी। हाँ, दिखाओ ना। इन्हें पहचानते हैं? सर, ये हमारा बेटा निर्मल है। लेकिन इसे हुआ क्या है सर? आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। निर्मल! लीजिए, पानी पीजिए। निर्मल बहुत परेशान रहता था। उसकी नई नई शादी हुई थी पर बहू ज्यादातर मायके ही रहती थी। कभी वो तो कभी उसकी अम्मा को कुछ ना कुछ होता रहता था। वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करे। तब हम ही उसको बोले कि कुछ दिन अपनी बुआ के यहाँ चला जाए, मन बहल जाएगा। पर वो वहां गया ही नहीं। उसके दोस्तों से भी पूछे हम, किसी के साथ नहीं था वो। कुछ नहीं समझे हम तो पुलिस स्टेशन में उसके लापता होने की रिपोर्ट लिखाए। वहां की पुलिस उसकी कोई खबर लाती उससे पहले आप आ गए। जी देखिए, ये वो फैमिली। हाँ सर, ये डॉली है साहब, ये उसका बाप और ये उसकी छोटी बहन है साहब। सर, हमारे खबरी के मुताबिक ये फैमिली अभी यशोदा नगर में रह रही है और डॉली की एक और शादी करवाने जा रही है। मिश्रा, सर इनका स्टेटमेंट लो और इन्हें जाने दो। आज इस फैमिली के स्वयंवर में सिर्फ पुलिस जाएगी। सर ये देखिए, इस बार इन्होंने डॉली का नाम दिव्या रखा था और कल किसी रोशन नाम के लड़के से शादी करवाने जा रहे थे। सर, शायद इनको पता लग गया था कि पुलिस यहाँ कभी भी आ सकती है और हो सकता है कि उन्हीं लोगों ने इसको मारा हो। नहीं यादव, अगर वो लोग इसको मार देंगे तो इसके बिना वो फ्रॉड कैसे करेंगे? नहीं, इस कार्ड पे देखो रोशन का एड्रेस है क्या? हाँ सर। इस रोशन का पता करो। कुछ मिला? सर फोन। सर शायद ये फोन इसी का हो। इस फोन की सारी कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और इसकी मोबाइल लोकेशन भी, और पता करो इस नंबर से किस किस नंबर पर बात हो रही थी और उन सारे नंबर्स की भी लोकेशन निकालो। यस सर। एक्सक्यूज मी सर, जरा पानी लाना प्लीज। यस। हाँ मिश्रा, ठीक है। सर, सर महेश का पता लग गया है, लालगंज के होटल शांति में छुपा हुआ है। ये आदमी तुम्हारे होटल में है? हाँ सर, ये तो ऊपर वाले रूम में। ए!
यादव जी, देखो वैसे तो हम अहिंसा के पक्षधर हैं, पर तुम्हारे जैसे पे वो काम करता नहीं है, तो थोड़ा हाथ चलाना तो पड़ता है ना। और चाहिए या बताओ? जिंदगी सब हाँ तो बताओ क्यों मारा डॉली को? तो कैसी बात कर रहे हैं साहब, हमने नहीं मारा उसको साहब, सब हम तो आज वहां के कर शादी करने वाले थे साहब, हम क्यों मारेंगे ना? इतना तोड़ेंगे ना कि कभी छोड़ नहीं पाओगे, समझा? बता डॉली को क्यों मारा और उसकी फैमिली कहाँ है? ऐसा हम तो ब्याह करने वाले थे तो क्यों मारेंगे हम उसको? सब उसका परिवार तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं करता था, हमें कैसे मालूम होगा सर कौन कहाँ है? और बिपिन उसे तो ब्लैकमेल कर रहे थे तुम सब, पैसा जरूर मांगे थे उससे, लेकिन सब हमें दिया कहाँ था? वो सब डिंपल को दिया था उसने, हम मांगे तो रोज रोज आजकल आजकल करने लगा था साहब। साहब हम दो दिन डिंपल को बताने गए थे कि जितना पैसा दिया उतना लेकर भाग चलते हैं और नहीं देगा, लेकिन साहब जैसे हम उसके घर पहुंचे थे, डिंपल सोच है साहब, हम कुछ नहीं किया। तुमको पता था ना कि वो शादी करने जा रही है? हाँ साहब ये तो हमको पता था, ये साहब अपनी मर्जी से नहीं करने जा रही थी, वो बेचारी बेचारी रोज रोज नई नई शादी करके आ गई थी साहब। साहब उसके बाबा है ना, उसके पापा एक नंबर का लालची इंसान, किसी रोशन नाम के कॉन्ट्रैक्टर से उसका ब्याह पक्का कर दिया था साहब। रोशन का एड्रेस बता। अरे मोहन शाम तक लग जाना चाहिए, जल्दी करो थोड़ा। नंदराम ये बैग लेके चलो, गाड़ी का एसी ऑन करो। ओके जल्दी करो, लेट हो रहा है। हेलो जी मैं निकल चुका हूँ, बस पहुँचता हूँ। ओके थैंक यू। रोशन जी मेरा नाम रोशन है, बताइए। यादव इन्हें पहचानते हैं आप? सर ये दिव्या है मेरी मंगेतर, कल हमारी शादी है, और बताएंगे कुछ क्या हुआ? आपको नहीं पता आपकी मंगेतर का खून हो गया? माँ के कहने पे मैं शादी के लिए राजी हुआ था, मनी मन चाहने लगा था मैं दिव्या। यादव इन्हें पहचानते आप? नहीं सर मैंने कभी नहीं देखा। इसका नाम निर्मल है और इसका भी खून हो चुका है। जब मैंने आपसे कहा मैंने इसे नहीं देखा तो फिर आप मुझे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये तुम्हारी दिव्या उस डॉली का एक महीने पुराना पति था। आप घर में अकेले रहते हैं? जी नहीं, मेरी माँ मेरे साथ रहती। बुलाइए। शादी के काम से माँ के गई है कुछ सामान लेने के लिए। हाँ आप कौन है? साहब मेरा नाम गंगाराम है। मेरे घर और ऑफिस के काम देखता है, हमारे घर के मेंबर की तरह है। सर दिव्या के फोन से जो नंबर्स मिले थे उनकी लोकेशन हाईवे की तरफ बता रहा है। तुम लोगों के पाप का घड़ा भर चुका है, जो पूछा जा रहा है सच सच बताओ, क्यों मारा डॉली और निर्मल को? हम किसी को नहीं मारे हैं साहब। किसी को नहीं मारे? सब पापा सच कह रहे हैं, हमने किसी को नहीं मारा सर, सच बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। क्यों हिंसा करवा रहे हो हमसे? देखो हमें पता है कि डॉली तुम लोग को धोखा देकर महेश के साथ भागने वाली थी, और निर्मल भी तुम्हारी असलियत जान चुका था, इसलिए सच सच बताओ क्यों और कैसे मारा निर्मल को? अब वो जान चुका था,
पर हमारा कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। हम काहे के लिए मारेंगे उसको? हम जानते थे कि वो जीवन में कभी मुंह नहीं खोलेगा। क्यों, ऐसी क्या मजबूरी थी उसकी? रोशन और डॉली की शादी से पहले एक दिन निर्मल आया था हमारे घर पे। अब देखो हम तुम सबको कैसे जेल भिजवाते हैं, समझे? ए दामाद जी, पुलिस के पास जा रहे हैं, जाने से पहले ये देखिए, फिर जाइए। ऐसा क्या था उस वीडियो में जो वो डर गया? लो, कुछ पता चला हमारे बेटे का कातिल कौन? वो भी पता चल जाएगा, पर उससे पहले हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। यादव, बहुत बड़ी गलती होगी सर, बहुत बड़ी गलती हो गई। उस लड़के ने हमारा दिमाग खराब कर दिया था सर, पर हम जानबूझकर अपने बेटे को नहीं मारे साहब। वो हमारा बेटा था सर, बेटा सर। वो उस दिन बहुत गुस्से में घर आया था सर। क्या हुआ निर्मल, इतने गुस्से में क्यों हो? और बहू कहाँ है? बंद करो ये शराफत का नाटक पापा। देखिए हम कितने शरीफ हैं आप, सिर्फ आपकी वजह से आज हम उन कमीनों के खिलाफ कुछ नहीं कर पाए। क्यों किए आपने, क्यों किए? क्या किया हमने, कुछ बोलेगा भी? इतने भोले मत बनो पापा। देखिए हम क्या रग रलिया मनाई आपने वो जूही के साथ, इतनी सी भी शर्म नहीं आई ना आपको इस उम्र में ये सब करते, वो भी एक नाबालिग लड़की के साथ? बोलिए क्यों किया आप ये? सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी हमारी। अनोखी है हिम्मत, छोड़ हिम्मत। निर्मल, 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 निर्मल बेटा आके खोल। निर्मल हम बहुत डर गए थे सर, बेटा तो जा ही चुका था। अब ये बात आपके सामने आती तो हमारी बहुत बदनामी होती सर, इसलिए निर्मल की लाश को बोरी में डाले और गाड़ी से बहुत दूर जाके फेंक दिए सर। डॉली को क्यों मारा? नहीं सर, हम नहीं मारे डॉली को सर। वो अपने माँ की हड्डी टूटने का बहाना बनाकर गई, उसके बाद हमने उसे कभी देखा भी नहीं सर। लेके चलो इसे, चले। सर, सर डॉली के मर्डर की फॉरेंसिक रिपोर्ट, और सर रिपोर्ट में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया है। सर डॉली के घर में सिर्फ उसका ही ब्लड नहीं बल्कि किसी और का भी ब्लड मिला है। यादव पता करो ये दूसरा ब्लड किसका है। डॉली की फैमिली, देवेंद्र, बिपिन, वो महेश और रोशन, सबका ब्लड सैंपल लो। इन सब के पास वो डॉली के मर्डर का मोटिव है। यस सर, लेकिन सर रोशन सच बोल रहा है, मर्डर के वक्त वो अपने ऑफिस में ही था। हमने उसके ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज चेक की है। होगा, फिर भी उसका ब्लड चेक करो। सर मिश्रा जी, कितनी बार कहा है ये गिलास कभी खाली नहीं होना चाहिए, पानी होना चाहिए इसमें, भरिए से। सॉरी सर, अभी तुरंत लाया। सर सर ब्लड टेस्ट रिपोर्ट। सर किसी का भी ब्लड ग्रुप डॉली के घर में मिले ब्लड ग्रुप से मैच ही नहीं हो रहा है।
एक आदमी है जिसका ब्लड सैंपल हमने नहीं लिया है, और पूरी पूरी संभावना है कि डॉली के घर में मिला ब्लड उसी आदमी का हो। किसका सर? देखो गंगाराम, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। ब्लड रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि डॉली के घर पे जो दूसरे आदमी का खून मिला है वो तुम्हारा है, और जो तुम परछाई की तरह हमेशा रोशन के साथ रहते हो, जिस दिन डॉली का खून हुआ उस दिन तुम उसके ऑफिस में नहीं थे। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है सिर्फ रोशन वहां था। तुम कहां? तुम डॉली के घर पे थे, उसका मर्डर करने गए थे। देखो गंगाराम, रोशन पैसे वाला आदमी है, बड़े से बड़ा वकील कर सकता है, शायद बच जाए, लेकिन तुम गरीब आदमी हो। देखो तुम्हारे पास सजा कम कराने का एक ही रास्ता है, सरकारी गवाह बन जाओ। बताओ, फटाफट बताओ क्यों मारा डॉली को, वरना यादव जी को बुलवाना आता है। हम बताते सब, सब वही रुके, हम बताते। रोशन सर ने हमसे कहा तो हमने डॉली को मार दिया। ऐसा क्यों कहा रोशन ने? क्योंकि रोशन सर भी बाकी लोगों की तरह वो छोटी वाली के चक्कर में फंस चुके थे। क्या देख रही हो? आइए ना, आप भी देखिए ना हमारे साथ। क्या देख रही हो? देखा पागल होगी तुम, क्या ये सब? मैं कहता हूँ मोबाइल दो। कोई फायदा नहीं डिलीट करके, मैंने सारे वीडियोस अपने मेल पे सेव कर लिए। जीजा जी, आपको पता है ना कि हम नाबालिग हैं, और एक नाबालिग से शारीरिक संबंध करना क्राइम है। मैंने तो सुना है फांसी भी होती है। अब तो अगर आपको फांसी पे नहीं चढ़ना तो सीधा सीधा मुझे 5 लाख रुपए दे दीजिए, वो भी शादी से पहले, नहीं तो हमें 5 मिनट भी नहीं लगेंगे पुलिस को जाके ये कहने को कि आपने हमारा रेप किया है। तो जीजा जी, जरा जीभ ढीली कीजिए वरना आपका करियर। रोशन सर उस दिन बहुत गुस्से में थे, हमसे बोले कि जाके पूरे परिवार को खत्म कर दो। लगता है सब भाग गए। तुम जाओ अंदर देखो, और तुम ऊपर। लालच, ये लालच इंसान को भ्रष्ट बना देता है। इसी लालच ने डॉली और निर्मल की जान ली। देवेंदर, रोशन, गंगाराम और धीरज का पूरा परिवार। ये अनर्थ क्यों हुआ? क्या इस अनर्थ की दस्तक किसी को नहीं मिली थी? मिली थी, जरूर मिली थी। पहली दस्तक मिली थी धीरज और उसके पूरे परिवार को, जब उनके मन में ये ख्याल आया कि धोखे से किसी दूसरे का पैसा अपना बना ले। और दूसरी दस्तक थी निर्मल के लिए, जब उसे पता चलने के बावजूद वो पुलिस के पास आने के बजाय उसने चुप रहना तय किया। इसके अलावा उन लोगों को भी तो दस्तकें मिली होंगी जो इस परिवार का शिकार हुए थे। अगर पहले ही फ्रॉड के बाद इस परिवार पर कार्रवाई हो जाती तो इतने सारे हादसे नहीं होते, और शायद डॉली और निर्मल की भी जान बच जाती। छोटी से छोटी अजीब और संदिग्ध लगने वाली बात पर ध्यान दें, क्योंकि यह जुर्म की दस्तक हो सकती है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।